हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं गाजियाबाद में माजेवाड़ा चौक, और यहाँ पे कूलर की बहुत बड़ी मार्केट है। अगर यहाँ पे आने के लिए आपको गाजियाबाद पुराना बस अड्डा और किसी से भी आप पूछ लीजिए, माजेवाड़ा चौक आपको जाना है तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ये देखिए सामने कूलर की मार्केट है, और यहाँ पे किसी शॉप के अंदर हम जाएंगे और पता करेंगे कि कूलर के रेट्स क्या क्या हैं, कितने महंगे और कितने सस्ते हैं। देखिए यहाँ पे बाहर कूलर लगे हुए हैं, और यहाँ पे कूलर ये बन रहे हैं। एक शॉप यहाँ पे है, देख लीजिए कूलर के कवर यहाँ पे इतने सारे यहाँ पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक शॉप है इनके पास, मुझे आपकी शॉप का नाम क्या सर? रमाटा कूलर। रमाटा कूलर, ठीक है सर। तो ये तरह तरह के आप देख लीजिए कितनी तरह की वैरायटीज इनके पास यहाँ पे हैं। ये कमर्शियल कूलर सारे, कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कूलर होते हैं सारे ये, ठीक है सर। ये सब आयरन बॉडी के स्मार्ट कूलर का सारे, ये फैंसी कूलर इसको बोलते हैं, और ये लेटेस्ट में। तो हर तरह की वैरायटी इनके पास यहाँ पे है। तो थोड़ा प्राइस वगैरह पता कर लेते हैं। तो सर ये सामने उधर रखे हुए कूलर है, इनकी रेट कैसे है? जैसे भाई साहब सफाई कर रहे हैं उस पर, जो ये पूरा साफ कर रहे हैं। हाँ जी, कूलर का नाम है बोल्ट, रमाटा का बोल्ट कूलर है ये। अच्छा, और इसकी प्राइसिंग मांग करिए आप 7500 रुपीज़ है इसका। अच्छा, पूरा 6500-7000 तक ही रेंज में उसको सेल करते हैं। अच्छा, और ये 20,000 रुपये प्लस होता है। 6000 प्लस 1000 प्लस। अच्छा, यानी कि लगभग 8000 का है ये। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसमें गारंटी वगैरह कुछ होती है? वारंटी वन ईयर की, वन ईयर की वारंटी है इसमें, ठीक है। कुछ मॉडलों में 1 ईयर की भी है, कुछ मॉडलों में 2 ईयर की भी है। और ये वो सेम है? ये दोनों सेम है, ये अलग अलग मॉडल है। अच्छा, ये 9500 रुपीज़ का है, ये 10,000 का है। उसके बाद ये मेटल बॉडी में आते हैं, मेटल बॉडी में हमारे बहुत अच्छा कूलर है, वायु मॉडल आता है ये। 10,000 का बताया आपने, एक साल की गारंटी से? एक साल की वारंटी, इसकी 2 ईयर वारंटी है। 2 ईयर की, 2 ईयर वारंटी है इसकी। अच्छा, और ये 125 की टैंक है, 125। अच्छा, बर्फ वगैरह डालने का भी कुछ है? आइस के लिए तो इसमें नहीं होता, दूसरे कूलर होते हैं। अच्छा, दूसरे होता है, ठीक है। और ये नॉर्मल वाले हैं जो घर के? नॉर्मल नहीं है, स्मार्ट कूलर है। स्मार्ट कूलर, अच्छा। स्लीक मॉडल में होते हैं, नॉर्मल तो जो होता है, ठीक है। जो पैड साथ में जो घास होती है मिल जाती है आपको? पैड होते हैं जो? अच्छा अच्छा, तो इसमें डिफरेंट वैरायटी है, छोटे इसमें कोई 15 इंची में, कोई 18 इंची में, 20 इंची तक भी है। अच्छा, कोई 4 फीट। ये जैसे इसकी टंकी बड़ी हो गई ना, इसकी टंकी बड़ी हो गई, टंकी बड़ी हो गई। अच्छा अच्छा, इसकी रेंज क्या है, प्राइस रेंज? इसकी प्राइस रेंज 9000 रुपीज़ है। 9000 है। इसमें ज़्यादा अच्छी वैरायटी अगर आपको देखनी है तो ये देख लीजिए आप, कि हमारा मॉडल बहुत बिकता है 695। अच्छा, ये रमाटा का 695 कूलर है। अच्छा, इसकी सेल बहुत अच्छी है। ये रमाटा आपकी दुकान के? रमाटा हमारा ब्रांड है। अच्छा अच्छा अच्छा, इंटरप्राइजेस करके फर्म का नाम है। अच्छा अच्छा, तो आप खुद ही बनाते हो मतलब? हाँ जी, हम खुद ही मैन्युफैक्चर है। ठीक है ठीक, कहाँ पे आपका यूनिट सर? हमारा मेरठ इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे हमारे 2 आउटलेट हैं। अच्छा, एक यहाँ पे, दूसरा? दूसरा बाहर मेन रोड पर। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये? ये 5 फीट हाइट में कूलर है, बहुत अच्छा कूलर है, 18 इंच के अंदर आता है ये, 3 स्पीड का। ठीक है, इसकी प्राइस? ये प्लस 14,000 का कूलर है। 14,000। अच्छा, इसके अलावा और इससे बड़ी बड़ी वैरायटी भी हमारे पास है, कमर्शियल कूलर है हमारे पास, ये फैक्ट्री वगैरह में लगते हैं। हाँ जी हाँ जी, इसमें फाइबर की रेंज आती है सर, फाइबर बॉडी के कूलर आते हैं। बताइए इधर, ये डक कूलर बोलते हैं इसको। अच्छा, ये जैसे एक जगह पे लगा के दूसरी जगह फेंकने की हवा आती है। अच्छा, इसका फ्लो बहुत अच्छा होता है, कूलिंग बहुत अच्छी होती है, 4 साइड पैर होते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, इसके 15,000 रुपये की रेंज में आता है। 15,000, ठीक है। 17,000 रुपये इसकी एम आर पी है। अच्छा अच्छा, 1500-1550 तक मिल जाता है, पड़ जाएगा ये सर। ये सेम वैरायटी है, ये पी वी सी बॉडी के कूलर्स हैं।
और सस्ते से सस्ता मतलब कहाँ कितना है, कम से कम किस रेंज का आपके पास कूलर है स्टार्ट का? रेंज तो उधर रखा हुआ है, वो 2000 रुपये का कूलर है, 3000 रुपये का है। अच्छा, जो सामने दो कूलर कम बिकते हैं अच्छे से हमारे पास, उसकी क्लाइंटेस है, हमारे पास अच्छे कूलर ज़्यादा बिकते हैं हम लोग, और अच्छे कूलर की सेल हम लोग ज़्यादा करना पसंद करते हैं। अब डिमांड थोड़ा उनकी बढ़ रही है, डिमांड अच्छे कूलर की बढ़ रही है। हाँ, ये पुराने वाले की थोड़ा कम हो रही है, जो स्मार्ट कूलर है उनकी परेशान होना चाहते हैं, वो चाहते हैं क्वालिटी अच्छी मिले और बाबा परेशानी ना पड़े। कूलर है इनके, इनके प्राइस रेंज क्या है सर? ये जो सामने ये 5 फीट हाइट का कूलर है, पहले से लगा था वो ट्रेडिशनल कूलर चले जा रहे हैं। हाँ, पुराने उस मॉडल के 7000 का है, ये 5000 का है ऊपर वाला, ये 3 फीट में, ये 5 फीट में, 4 फीट का आता है, वो 6000 का है। अच्छा, बाकी डिस्काउंट कर देंगे, 10% डिस्काउंट हो जाता है जो कस्टमर आएगा तो। जी जी, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला ग्लोर में आता है, ये लगभग 4000 का कूलर है, 4000 का। इसकी टंकी बड़ी लग रही है। हाँ, टंकी ठीक है, इसके पैड होते साइड में, पीछे बैक साइड में होता है। अच्छा, 4000 का है। जी ठीक है सर, कोई कार्ड हो गया ये देखिए, ये भाई साहब है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं रमाता, और ये इनका मोबाइल नंबर है, तो अगर आप इधर बेस्ट होगी और इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये देखिए कूलर के ऊपर जो घास लगते हैं यहाँ पे काफ़ी मात्रा में मिलती होगी भाई जी, घास वगैरह कैसे देते हो कूलर की? हाँ जी, ये वाली इतने कितने की है सर? ये 70 रुपये, 70 रुपये की, ठीक है। 50 रुपये की है। अच्छा, ये हल्का है थोड़ा, उसका वजन है, ये मीडियम में है, ठीक है ठीक है। ये हैवी में है, 100 रुपये का नेट, 100 रुपये का, 3 पीस 100 रुपये के, ठीक है ठीक है, पूरे सेट के लिए। अच्छा, ये जो ये साइड में पैड है ये किस रेंज पे है? ये हनीकॉम बोलते हैं इसको। अच्छा, हनी पैड, हनीकॉम, ये इसका स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है? 50 रुपये स्क्वायर फीट। अच्छा, 50 रुपये, ये गलता वगैरह तो नहीं? ये गलता नहीं है, 1.5 इंची मोटा। अच्छा, 1.5 इंची मोटा है। थैंक यू भैया, इधर देख सकते हैं आप कूलर की काफ़ी सारी दुकानें हैं। मैंने कुछ लोगों से पता किया था तो मना कर रहे थे कि अपनी दुकान का वीडियो नहीं बना देना चाहते, देखते हैं मार्केट में कुछ और कूलर से रिलेटेड कुछ मिलेगा तो। ये लोग कूलर यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए दुनिया भर के कूलर यहाँ पे बन रहे हैं। देख सकते हैं इस तरह के यहाँ पे पैड वगैरह मिल जाते हैं, ये घास यहाँ पड़ी हुई है, तो यहाँ कूलर से रिलेटेड सारा सामान आपको मिल जाएगा, कच्चा माल ही मिल जाएगा। लोग यहाँ पे कूलर बनाते हैं, जैसे देख लिए भाई साहब यहाँ पे घास लगा रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी मार्केट है। यहाँ पे दूसरी मार्केट भी हैं पर फिलहाल मैं इस गली में निकला था, यहाँ पे बड़ी दुकान है कूलर की। सामने देख लिए कूलर यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कूलर्स के बारे में और कोई मार्केट का हमें पता चलता है तो बताएंगे आपको। फिलहाल अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। Thank you for watching.